नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुलिफोर्ड लोशन के बारे में। जो लुलिफोर्ड फार्मा का प्रोडक्ट आता है, इसमें जो इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है वो है दोस्तों लुलिकोनाजोल। 1% में ये देखने को मिल जाता है। ये आपको क्रीम के रूप में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन लोशन के रूप में इजी टू यूज़ होता है, इसीलिए ये कंपनी का जाना माना प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकता भी है। इसकी MRP है 180 रुपये की, लेकिन ये 15 ml का देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्राइस में देखने को मिलता है। अंदर की तरफ की पैकिंग आती है कुछ इस तरीके से, ये आई ड्रॉप की तरह ही इसका पूरा सिस्टम होता है। नॉर्मली आपको यहाँ से पंच करना होता है और नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली रिव्यू आपको देने वाला हूँ, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, यूज़ करने से पहले आपको क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखने चाहिए। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। लुलिकोनाजोल जैसे मैंने बताया है, लुलिफोर्ड फार्मा का एक जेनरिक एथिकल दोनों ही रूप में देखने को मिल जाता है, जो क्रीम और आपको उसके रूप में भी देखने मिलता है, लेकिन ब्रांडेड नाम से आपको कई तरह की देखने को मिल जाता है। ये ओनली एक्सटर्नली यूज़ ओनली है, और ये दोस्तों एक एंटी फंगल है, एंटी फंगल लोशन है लुलिकोनाजोल। जैसे मैं कई वीडियो में आपको बताया भी है इसके बारे में, ये काम कैसे करता है, ये जो फंगल की वजह से बढ़ने वाला रोग होता है एस्ट्रोस्ट्रैगल के संश्लेषण को कम करता है और फंगल को रोकने में मदद करता है, जिससे फंगल बढ़ता हुआ उसको कम करने में मदद करता है। इसके बेनिफिट्स जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में होते हैं, जैसे इचिंग हो रही है, जॉक इच हो रहा है, एथलीट फुट हो रहा है, जांघों में हो रहा है, या फिर नाखूनों के बीच में फंगल हो रहा है, जांघों के बीच में प्राइवेट पार्ट्स में रिंग वर्म हो रहा है, दाद हो रहा है, सूखी परत हो जाती है, या फिर फंगल के जो काले काले निशान रह जाते हैं गोड़ गोड़ से, वो भी इसको यूज़ करने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल है फंगल के लिए, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकने वाला ये प्रोडक्ट है। फंगल आपका ख़त्म नहीं हो रहा है तो एक बार इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ कई मेडिसिन का भी यूज़ किया जाता है, वो भी आपके फंगल पर डिपेंड करता है। अगर आपका फंगल बहुत ही ज़्यादा है तो ही आपके साथ मेडिसिन वगैरह दी जाती है, और अगर आपका फंगल बहुत ही कम है, ज़्यादा है, तब जाके लोशन वगैरह का यूज़ किया जाता है। वैसे जनरली टैबलेट या फिर क्रीम का ही यूज़ किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एरिया पे हो गया है तो लोशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लगाने में इजी होता है और जल्दी से ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर आपके फंगल को ख़त्म करने में मदद करता है। फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इचिंग, इरीटेशन या फिर रेडनेस वगैरह देखने को मिल सकती है। प्रिकॉशन की बात करते हैं तो आइज़, नोज़ या फिर मुंह में जाने से आप इसको बचाइए, क्योंकि एक्सटर्नली यूज़ ओनली, इसको गले से नीचे ही इसको अप्लाई वैसे करना चाहिए। इसको दोस्तों अगर आप कोई प्रेगनेंसी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, इनको यूज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही इनका यूज़ करना चाहिए, या फिर कहीं पर स्किन फटा हुआ है या फिर कटा हुआ है उस जगह पर भी इसको अप्लाई नहीं करना है। पेडियाट्रिक है, बच्चों में इसका भी यूज़ नहीं करवाते हैं बिना किसी डॉक्टर के जानकारी के अनुसार, और कॉन्टैक्ट आइस वगैरह में इसको बचा के रखना है, आइस वगैरह में ये नहीं जाना चाहिए। उपयोग का तरीका क्या है, वैसे तो दोस्तों एक दिन में एक बार ही दिया जाता है, रात को लगाने का होता है, जहाँ पर भी आपका फंगल इन्फेक्शन का एरिया है वहाँ पर आप इसको अप्लाई करिए और सुबह को वॉश वगैरह कर लीजिएगा। फंगल इन्फेक्शन में मेनली दवाइयों से ज़्यादा उसका परहेज होता है, जो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। दवाइयाँ होती है, एलोपैथिक दवाइयाँ होती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है। अगर आपको एलोपैथिक दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है, लंबे समय तक चल रही है, तो आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ जरूर यूज़ करनी चाहिए, उससे आपका फंगल जल्दी से जल्दी ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे जब तक आपको डॉक्टर कंसल्ट करता है, आपको उसका पूरा परहेज लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज सोच रहे हैं कि लोशन ले लेता हूँ, जब लोशन से ठीक होगा तो दवाई ले लेता हूँ, नहीं होगा तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो दवाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सारा एक ही साथ चलता है, इसीलिए आपका फंगल जल्दी से ठीक नहीं होता। इसमें आपको परहेज रखना पड़ेगा, साबुन वगैरह अलग रखना पड़ता है, जो भी होता है कम्प्लीटली। मैंने एक वीडियो पहले भी बहुत पहले बनाया था फंगल इन्फेक्शन में परहेज के बारे में, उस पर भी आप देख सकते हैं, वीडियो में चैनल पे है दोस्तों, आप देख सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के प्लेलिस्ट में। तो बस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लुलिकोनाजोल लोशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कुछ डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, या फिर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yeah.